दुनिया एक दूसरे से जुड़ते लोग कंट्री की लाइन तोड़ता बिजनेस और बेहतर फ्यूचर की तलाश ये तमाम बातें आकर रुकती है एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज पे। जी हाँ आज मैं सुनीता राय करियर मंत्रा में आपको बताऊंगी कि कैसे फॉरेन लैंग्वेजेस सीखकर आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मौजूदा वक्त सीमाओं को नहीं मानता लगातार विकसित हो रही टेक्नोलॉजी दुनिया को ग्लोबलाइज करती जा रही है ऐसे में फॉरेन लैंग्वेज सीखकर आप एक बेहतर करियर की राह पर चल पड़ते हैं। फ्रेंच जापानीज स्पेनिश जर्मन रशियन चाइनीज जैसी कई लैंग्वेज सीखकर आप बुलंदियों को छू सकते हैं। करियर के लिहाज से ये एक बड़ा क्षेत्र है आप टूर ऑपरेटर से लेकर इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर तक कई रूपों में काम कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन के बाद से मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आने लगी हैं, तो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। भारत में कई सरकारी और निजी संस्थानों में विदेशी भाषा के कोर्स करवाए जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों मंत्रालयों और पर्यटन उद्योग में नौकरी भी पा सकते हैं। आजकल तो ज्यादातर कंपनियों में बिजनेस के लिए इन भाषाओं की जानकारी होने पर खास तवज्जो तो मिलती ही है। भारत में कई यूनिवर्सिटीज फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स भी करवाती हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्सेज भी मौजूद हैं, जिन्हें करके आप एक नया मुकाम बना सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ स्कोप है, कैसे आप बनाए करियर, इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के ट्रेनर लैंग्वेज ट्रेनर मिस्टर देवकरण सैनी। हेलो सर। हेलो देवकरण जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि फॉरेन लैंग्वेज आखिर है क्या, कैसे समझे इसको? फॉरेन लैंग्वेज को देखो, कोई भी लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है उसको आप फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज इसलिए हम लोग सीखते हैं क्योंकि आजकल ये जो वैश्वीकरण का जो दौर है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान को भी एक मार्केट के रूप में देख रही हैं, तो उनको उनकी भाषा में जो बात करें, उनकी उनके जो प्रोडक्ट को बेच सकें, इस तरह के लोगों को उनको जरूरत है, तो इसको आप एक ग्लोबल मार्केट के रूप में इसको देख सकते हैं। और चूंकि वो लोग यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि उनका जो एक भाषा का जानकार है उनके यहाँ का, वो जितनी तनख्वाह लेगा उसी तनख्वाह में वो यहाँ पे हिंदुस्तान में वो दो या तीन लोगों को एम्प्लॉय करके ज्यादा काम करवा सकते हैं। इसका सीधा सीधा एक ये आप इसका पहलू देख सकते हैं। तो अगर इंडिया में मौजूदा समय की बात करें तो कितना स्कोप आप देखते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में? आधी से ज्यादा आबादी 60% और इस तरह से आबादी जो युवा है, और युवा लोगों को सबसे पहले तो जॉब चाहिए, राइट? जो जॉब की जो जहां भी जो भी बात करेगा वो काम वो करेंगे। युवा लोगों को ये दिख रहा है कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पे आ रही हैं और उनको उनकी विदेशी भाषा के जो जानकार लोग हैं उनकी आवश्यकता है, उनकी एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि मजबूरी है, उनको अगर यहां पे प्रोडक्ट बेचना है तो यहां के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज आप अगर सीखते हैं तो आप केवल एक ट्रांसलेटर या फिर एक टीचर बनोगे, वो वाली बात अब नहीं रही है। तो कितना स्कोप है, कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहां पर एक फॉरेन लैंग्वेज सीख के आप पहुंच सकते हैं या एक मुकाम पा सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज के लिए जो सबसे सीधा सीधा आपको रास्ता दिखता है वो है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। यहां पे आप बात करो तो दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ज्यादातर भारत में आपको अवेलेबल मिलेंगी। यहाँ चाहे दिल्ली की बात करो, पुणे की बात करो, बेंगलोर की बात करें, जयपुर, यहाँ तक कि जयपुर में भी, कि सबसे पहले मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, किसमें मिल सकती है? आप अगर किसी एमएनआईटी किसी आईआईटी से भी आप अगर कोई डिग्री लेते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिली जाएगी उसके बाद में, लेकिन आपने अगर कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आपने सीख रखी है तो आप ये मान के चलिए कि आपने उसके 3 या 4 लेवल कर लिए तो आपको जॉब पक्की है। एक तो एमएनसी होगी, उसके अलावा गाइडिंग के क्षेत्र में आप देखो, ये अपना जो जयपुर है ये गोल्डन ट्रायंगल पे है, दिल्ली जयपुर आगरा, तो यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, उसमें उन जापानीज भी होते हैं, जर्मन भी होते हैं, फ्रेंच स्पेनिश, राइट, इंग्लिश तो है ही, तो गाइडिंग के क्षेत्र में काफी स्कोप है। उसके अलावा टीचर्स, जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय 1090 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उन्होंने अनाउंस किया कि सभी जगह हमको जर्मन टीचर चाहिए, तो एक साथ इतनी सारी डिमांड आ गई। केंद्रीय टीचर्स, जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय 1090 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उन्होंने अनाउंस किया कि सभी जगह हमको जर्मन टीचर चाहिए, तो एक साथ इतनी सारी डिमांड आ गई।
केंद्रीय विद्यालय में 3 लेवल करने के बाद में टीचर बन सकते हैं। आप ट्रांसलेटर की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। डॉयचे बैंक जो है वो काम वो चाहे तो जर्मनी में भी करा सकते हैं, बट वहाँ पे उनको महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा बैक ऑफिस खोला है, तो बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। और सीमेंस है, उनको टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे करके बहुत सारे फील्ड हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है। भाषा में जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसमें मैंने आपको बताया 3 लेवल अगर जिसने भी कर लिए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट है, उसकी सैलरी 20+ से शुरू होती है। किसी भी, जैसे आप चाहे फ्रेंच ले लो चाहे जर्मन ले लो, राइट, यूरोपियन लैंग्वेजेस की आप बात करो तो 20 से लेके और 26 और यहाँ तक 35 तक भी कुछ कंपनियां ऑफर करती हैं। थैंक यू सो मच आपका देवकरण जी ये तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो फॉरेन लैंग्वेज एक तेजी से उभरता हुआ करियर ऑप्शन, जहां पर अलग अलग देशों की भाषा सीखकर आप एक अच्छा करियर ऑप्शन तो बना ही सकते हो, अपने करियर को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हो। चलिए अब कुछ बात करते हैं बाकी स्टूडेंट्स से और जानते हैं कि उन्होंने क्यों चुना इस पर्टिकुलर कोर्स को और आगे क्या कुछ है उनका। ये आपका नाम? मेरा नाम आशीष शर्मा। आशीष, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। क्यों? मैं गाइड बनना चाहता हूँ, मैं, क्योंकि मेरे भैया गाइड है, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया गाइड बनने के लिए, उसमें इनकम भी अच्छी है और शोर्स भी है, इसलिए मैं गाइड बनना चाहता हूँ। और मेरे मैनी पैलेस पे जाना भी अच्छा लगता है, डिफरेंट पैलेस पे, तो मैं गाइड बना। ओके, तो आपको लगता है कि आपने जो सोचा फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद आपका वो करियर पूरा सेट हो जाएगा? या मैम, श्योर। मेरा नाम आनंद सिंह शेखावत। आनंद, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? मैं भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। जर्मन सीख रहे हो आप, क्यों, आप क्या एम रखते हो? मैं बी फार्मा कंप्लीट कर सका हूँ, लेकिन अब मैं बाहर जाके कुछ मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए जर्मनी में जाके एम फार्मा कंप्लीट करना चाहता हूँ और वहाँ से रिसर्च के बारे में कुछ जान के इंडिया में आके उसको फॉलो करना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश। अविनाश, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो और आपका क्या एम है? मैम, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ और मेरा नाम एम है, आई बिकम गाइड। आपने कौन सी लैंग्वेज सीखना शुरू किया है और आपका क्या एम है? मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और मेरा एम है मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना, और जयपुर में उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की, डॉयचे बैंक, उसमें मैं काम करना चाहता हूँ, उसके लिए जर्मन सीख रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर के लिए काफी हेल्पफुल होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा कोर्स है और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में करके और अपने जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो पूरी करें। और इस वक्त एक और स्टूडेंट मेरे साथ है जो कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है। हेलो, आपका नाम? हाय, माय नेम इज जसप्रीत। जसप्रीत, कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? आई एम लर्निंग जर्मन। जर्मन क्यों? बिकॉज आई थिंक देयर आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी एंड आई वुड लव टू वर्क इन अ बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी देयर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय A2 राइट नाउ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट B1 आल्सो, B1 लेवल व्हिच इज सो दैट आई कैन वर्क इन BMW, Volkswagen, अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज इन जर्मनी। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसा करियर ऑप्शन जो अलग अलग कंट्रीज से आपको जोड़ता है और दुनिया भर में कहीं भी जाकर अपना करियर सेट करने का ऑप्शन भी दे देता है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं और ईरा और मीरा शकीरा से कम नहीं, ये बात बुआ की स्माइल में झलकती है। तो अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जीके टायर, टोटल कंट्रोल। क्रिडाई राजस्थान की ओर से श्री राजपाल सिंह शेखावत जी को नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी का हार्दिक आभार। ऐसी चीज होती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओ या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओ। अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा।
negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing? Negativity की बजाय ये कहिए कि cautiousness रहना चाहिए. तो negativity में भी positivity छुपी है. यही एक बड़ा motivating है. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज हम करियर मंत्र में बात कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेजेस की, कैसे इसमें अपना करियर बनाए, क्या कुछ स्कोप है और आगे आपका करियर कैसे सेट हो. इन तमाम बातों के बारे में और बातचीत करेंगे हम. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ्रेंच की फैकल्टी मिस्टर तरुण भारत. हेलो सर. हेलो मिस्टर तरुण. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्रेंच की फैकल्टी हैं आप, फ्रेंच में कितना स्कोप देखते हैं? इंग्लिश के बाद फ्रेंच सेकेंड इंटरनेशनल लैंग्वेज है और फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 33 कंट्रीज आफ्टर इंग्लिश विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 45 कंट्रीज. और फ्रेंच जो है टूरिज्म सेक्टर से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है. फ्रांस जो कंट्री है वो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट मेरी नॉलेज में फ्रांस को विजिट करते हैं, जैसे कि पेरिस है जो एफिल टावर वहां के अट्रैक्शन हैं. और इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री, इसके अलावा लिटरेचर और आर्ट एंड कल्चर, काफी चीजों से फ्रांस जुड़ा हुआ है. तो इसलिए मैं फ्रेंच में बहुत ज्यादा स्कोप देखता हूँ. फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज कुछ ऐसे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं फॉरेन लैंग्वेजेस जिन्हें हम सीखें तो आने वाले समय में और ज्यादा स्कोप होंगे? बिल्कुल है. जैसे कि जर्मन की हमने बात करी, तो जर्मन मान लो टेक्निकल फील्ड में अगर कोई जाता है तो वो जर्मन प्रेफर करता है, और फैशन और अदर आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जाता है तो फ्रेंच. इसके अलावा स्पेनिश, अरबिक, इटालियन, पोर्तुगीज, काफी सारी भाषाएं हैं. हर भाषा का अपना अपना महत्व है. बार बार हम बात करते हैं जब कोई भी करियर ऑप्शन चुनते हैं, कहीं ना कहीं एक डिग्री कौन सी होगी, हम कौन सा कोर्स करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्या इसके लिए भी पर्टिकुलर डिग्री या ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है हमें? एफिशिएंसी टेस्ट के लिए हर लैंग्वेज के अपने अपने पैटर्न के टेस्ट होते हैं. फ्रेंच की बात करें तो डेल्फ, डाल्फ, टीसीएफ, टीईएफ करके इनके टेस्ट होते हैं, जो कि अलग अलग शहरों में कंडक्ट होते हैं, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इनके लिए मिलता है. सिमिलर पैटर्न पे जर्मन, स्पेनिश, सभी लैंग्वेजेस के इंडिया में अलग अलग सेंटर्स हैं और वहां पर इनके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और सर्टिफिकेशन मिलता है. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. तो आपने सुना फ्रेंच की फैकल्टी हैं, इम्पोर्टेंट बताई इन्होंने आने वाले समय में अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस की. अब कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उन्होंने क्या सोचा है इस करियर ऑप्शन के बारे में. चलिए अब जानते हैं स्टूडेंट से उनकी करियर प्लानिंग. हेलो, आपका नाम? भानु प्रताप सिंह राठौर. भानु, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? हम लैंग्वेज सीख रहे हैं फ्रेंच. फ्रेंच क्यों? फ्रेंच इसलिए सीख रहे हैं कि हम इन्हें टूरिस्ट गाइड में जाना चाहते हैं, और हमारे भैया लोग भी टूरिस्ट गाइड में थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि फ्रेंच बनो आगे स्कोर पे, इसलिए हम फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं. ओके, आपका नाम? देवानंद साकला. देवानंद, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ. ओके, जर्मन में आगे कहाँ आप स्कोप देखते हैं? मैम, इसके अंदर बहुत सी स्कोप है, जैसे गाइडिंग देख लो, और ड्यूच बैंक और केबीसी के अंदर ये लेरर वगैरह, और कई ऐसी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, तो उनके अंदर भी अच्छा स्कोप है. तो आपका एम क्या है? मेरा एम है गाइडिंग करने का. आपका नाम? आनंद सिंह राठौर. आनंद, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? मैं जर्मन लैंग्वेज कर रहा हूँ. क्यों? जर्मन लैंग्वेज, टूरिस्ट गाइड, जर्मन गाइड्स आते हैं जो फॉरेनर जर्मन, उनको घुमाना और इंडियन कल्चर दिखाना उनको, जो कि हमारा राजस्थानी संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है, उनको पूरी रूप से मतलब संतुष्ट कर देना कि ये चीजें हमारी यहाँ है. आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है. okay. और मैं जर्मन सीख रहा हूँ. क्यों रफीक, जर्मन में आगे कहाँ आप सोचते हो, क्या करना है आपको? मेरे को डॉयचे बैंक में काम करना है, बिकॉज मैं बीकॉम किया है मैंने, और जो डॉयचे बैंक है जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है, और उसमें बैंकिंग है और जो कॉमर्स है रिलेटेड. आपका नाम? पंचम सिंह राठौर. पंचम, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ. फ्रेंच में आगे कहाँ करियर बनाना है? मैं मतलब इंडियन गाइड बनना चाहता हूँ. ओके, यस.
ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स को आपने सुना, किसी को गाइड बनना है, किसी को एमएससीज में काम करना है, तो किसी को ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस करना है, इसलिए फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है। कुल मिला जुलाकर मौजूदा समय की बात करें, मौजूदा डिमांड की बात करें, तो फॉरेन लैंग्वेज एक बेहतर करियर विकल्प है, क्योंकि एक सुनहरा भविष्य ये आने वाले समय में यंगस्टर्स को दे सकता है। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देख रहे हैं करियर मंत्रा। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माय स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। 17 अगस्त 2012, जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014, सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/zmarudhara और ट्विटर पर twitter.com/z_marudhara और YouTube में youtube.com/user/zrajasthan या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम करियर मंत्रा में बात कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेजेस की। ब्रेक के पहले हमने जाना था कि कैसे फॉरेन लैंग्वेजेस में करियर बनाना आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन अब जानेंगे कि हायर लेवल पर और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास और कैसे आपका फ्यूचर सेट होने की 100% गारंटी देता है ये फील्ड। और इस वक्त और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जर्मन ट्रेनर मिस्टर शिवम। हेलो शिवम, आपसे जानना चाहूंगी कि आप जर्मन सिखा रहे हैं, एक करियर ऑप्शन के तौर पर ये चुनाव क्यों? इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था जर्मन लर्न करना, तो मैं उस टाइम खुद भी क्लियर नहीं था कि मेरे को क्या करना है, पर मैं लैंग्वेज सीखना चाहता था जर्मन लैंग्वेज, एंड काफी इंटरेस्ट है मुझे उस लैंग्वेज, और लैंग्वेज लर्न करते करते मुझे पता लगा कितने करियर ऑप्शन है। और मैंने एमएनसीज में भी काम किया हुआ है, 8 ईयर्स का मेरा करियर रहा है एमएनसीज का। इन बिटवीन एमएनसीज में भी काम करते करते मेरा मैक्सिमम जो रोल रहता था वो ट्रेनिंग का, एजुकेशन का रहता था, जर्मन सिखाना, प्रोसेस सिखाना, ट्रेन करना। एंड मेरे को ट्रेनिंग में, टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आया, एंड बिकॉज जर्मन लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसमें मैं रहा हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं जर्मन लैंग्वेज ही सीखूं। बिल्कुल, यानी कि आपके एग्जाम्पल से ये बात तो पूरी फिट है कि जैसे टीचिंग में स्कोप है, अब फॉरेन लैंग्वेज में भी, टीचिंग में भी एक बेहतर स्कोप हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, हायर लेवल पे बात करें, तो ऑप्शंस और कहाँ कहाँ पाते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया एमएनसीज में मैं काम करता हूँ, तो एमएनसीज में बहुत सारी ऑप्शंस है। आपको अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया में काफी एमएनसी सेटअप है जो बाहर से आगे, सब ग्लोबलाइजेशन का काम है। काफी सारी कंपनीज है जो अब इंडिया में सेटअप है, और उनके यहाँ पे लैंग्वेज के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, इटालियन, जापानी, बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं, और उनके साथ ऑप्शंस हर लेवल पे मिलते हैं। आप स्टार्ट करते हैं एज ए लैंग्वेज का कोई भी एनालिस्ट के तौर पर, फिर आपको प्रमोशन मिलती है, सीनियर बनते हो, आप मैनेजर बनते हो, आपके सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होते जाते हैं, और आप मैनेजर भी, आपकी सैलरी पैकेजेस भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे स्टार्टिंग चाहे आप 30-40,000 से कर सकते हो, पर आप 10 लाख पर एनएम के पैकेजेस पे भी जा सकते हो। आप फ्रीलांस टीचिंग का भी काम कर सकते हो, फ्रीलांस ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, तो बहुत सारी ऑप्शन।
वास्ट ऑप्शन अवेलेबल है लैंग्वेज में. अभी फिलहाल ग्लोबलाइजेशन की वजह से एवरीडे काफी जगह ऑप्शन अवेलेबल. ओके, तो क्या हम मान लें कि अगर किसी ने फॉरेन लैंग्वेज सीख ली तो उसके लिए फ्यूचर की 100% गारंटी है कि आपका फ्यूचर तो सिक्योर है? देखिए, ये कहने की तो ये बात होगी कि आपने बीकॉम कर लिया तो आपको 100% सिक्योर. नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगे जो एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है. अगर आप सोचो कि मैं एक मैनेजर बन जाऊं और मुझे लैंग्वेज आती है और मैं लैंग्वेज प्रोसेस का मैनेजर बन जाऊं, ऐसे नहीं है. बट लैंग्वेज आपके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकता है जो कि इजिली कई लोगों को नहीं मिलता. बिल्कुल, यानी कि एक बेस आपके लिए तैयार हो जाता है और आगे आपको कहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये आपको मंजिल तय करनी होगी. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. श्योर. चलिए कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं और जानते हैं उनका फ्यूचर प्लान क्या है. हेलो, आपका नाम? उमेश. आपका क्या फ्यूचर प्लान है, फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो? एक्चुअली ये मेरे फैमिली बिजनेस है तो उसके लिए, एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए यदि मेरे लैंग्वेज आती है तो उससे ज्यादा बेनिफिशियल टाई अप्स हो सकते हैं अदर इंडस्ट्रीज से. okay. जापान में या चाइनीज में या जर्मन में, फ्रेंच में, जिस भी इंडस्ट्री में. और अभी अभी अपना इंडिया का टाई अप्स जापान से और चीन से अभी अभी हुआ है तो उसमें फर्दर इंक्रीमेंट भी हुआ है टाई अप्स में. तो उससे जो लॉज हैं बिजनेस के तो उसमें काफी रिलैक्सेशन हुआ है. तो इससे हमारे बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस को फायदा हो सकता है इसके. यानी कि आपको अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है इसलिए आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो. चलिए कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं. हेलो, आपका नाम? हेलो, आई एम प्रिया. प्रिया, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो और क्यों? रिसेंटली तो आई एम लर्निंग जर्मन. मैं जर्मन सीख रही हूँ लेकिन मैंने फ्रेंच भी किया है. सो इन दिनों फॉरेन लैंग्वेज एज अ करियर ऑप्शन बहुत क्रेज में है और काफी स्टूडेंट्स, काफी लोग फॉरेन लैंग्वेजेस करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी प्लानिंग है कि जयपुर और इवन पूरे इंडिया में यूरोप से बहुत सारे लोग आते हैं. सो फॉरेन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज अगर हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अर्निंग के और करियर को आगे मूव करने के. एज आई टीच योगा सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि मैं फॉरेन लैंग्वेज के साथ फॉरेन लैंग्वेजेस लर्न करके एक, दो और मे बी थर्ड लैंग्वेज आई कैन लर्न. सो मैं लोगों को योगा सिखा सकती हूँ एंड उन्हीं के लैंग्वेज में अगर कोई इंडियन पर्सन उनको योगा सिखाएगा सो इट वुड बी डिफरेंट इफेक्ट ऑन अदर पीपल और फॉरनर पीपल. सो दिस इज माई प्लान. यानी कि कुल मिला जुलाकर फ्यूचर को पूरी तरह से सेट करने की प्लानिंग है, करियर ऑप्शन है, ऑब्वियसली हर कोई ज्यादा से ज्यादा आउटपुट उससे निकालना चाहेगा. कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं. आपका नाम? हिमांशु. हिमांशु, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो और क्यों? रिसेंटली मैं अभी जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और मैंने अभी यहाँ से ही फ्रेंच लैंग्वेज कम्प्लीट करी है. और मेरी प्लानिंग ये है कि मैं एक फ्रीलांसर म्यूजिक कंपोजर वर्क कर रहा हूँ जयपुर में और ओवरऑल 185 कंट्रीज से मैं म्यूजिक सेल कर चुका हूँ. डिफरेंट लोग होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनसे मेरे को इंडियन, वो चाहते हैं कि इंडियन म्यूजिक मेरे से सीखें. तो मैं अभी फ्रेंच मैंने जैसे कंप्लीट करी है और उसके बाद मैं जर्मन भी कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को मैं इंडियन म्यूजिक के साथ टीचिंग करूँ. ओके, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? रिसेंटली मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ लेकिन मैंने जर्मन लैंग्वेज भी सीखी हुई है. okay. मैं आप मेरी बात करूँ तो मैंने करियर के लिए मतलब जर्मन लैंग्वेज सीखी है क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोप है फॉरेन लैंग्वेज का, बिकॉज लैंग्वेज अलाउंस भी मिलते हैं काफ़ी एमएनसीज में और काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है और अपना सोसाइटी में एक इमेज भी डेवलप होती है, डिफरेंट इमेज भी डेवलप होती है, इसलिए मैं फॉरेन लैंग्वेज. चलिए कुछ और भी स्टूडेंट से हम बात करते हैं. आपका नाम? प्रवीण सिंह. प्रवीण, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो और क्या लगता है कि आपने जो सोचा था और फॉरेन लैंग्वेज के लिए एज अ करियर ऑप्शन उसको आप अचीव कर लोगे? मैं जर्मन कर रहा हूँ और मैं स्काउटिंग में जाना चाहता हूँ इसलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज चुनी है. ओके, आपका नाम? हर्षवर्धन सिंह. हर्षवर्धन, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? मैं फ्रेंच कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा स्कोप है, जैसे टूरिज्म है, ट्रेवल एजेंसीज है, कॉल सेंटर्स है, प्राइवेट जॉब्स में अच्छा स्कोप है. चलिए, आपका नाम? दिनेश. दिनेश, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? जापानीज सीख रहा हूँ. जापानीज, क्यों? क्योंकि मैंने अभी इंजीनियरिंग की है तो जापानीज कंट्रीज में टेक्नोलॉजीज में काफी आगे हैं ये कंट्रीज. तो मैं चाहता हूँ कि अगर अपने वहाँ जाके टेक्नोलॉजीज में सीखें और अपने देश में भी ये टेक्नोलॉजी लाए ताकि अपन भी अपने देश में विकसित होने में काफी योगदान दे सकें.
तो आज हमने करियर मंत्रा में जाना कि क्यों आज का यंगस्टर एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है और अपने करियर को देना चाहता है एक नई ऊंचाई, बनाना चाहता है और भी बेहतर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक मुझे और कैमरामैन देव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।